हेलो एवरीवन, यूं तो महात्मा गांधी जी के जीवन के सभी प्रसंग जितने सार्थक तब थे वो उतने ही आज भी हैं, परंतु आज मैं जिस घटना का जिक्र आपके समक्ष करने जा रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुआ यूं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की धर्म पत्नी कस्तूरबा बाई जी ने देशी घी का दीपक जलाकर भगवान जी के समक्ष रखा और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। गांधी जी ने जब घी का दीपक जलता हुआ देखा तो वो बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने कस्तूरबा बाई जी को समझाते हुए कहा कि क्या उनको मालूम नहीं था कि देश में कितनी भूखमरी पैदा पड़ी हुई है। अगर वो इसी देसी घी से खाना बनाकर किसी गरीब को खिला देती तो भगवान ज्यादा खुश होते। भगवान तो भावना के भूखे हैं, भोग के नहीं। आज के संदर्भ में भी देख लीजिए कितना दूध, दही, घी, मक्खन से मंदिरों में मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है और वो नाली में वेस्ट होके चले जाती है। शादियों पर बहुत सारा भोजन पहले स्टार्टर्स के रूप में ठूंस ठूंस के खाया जाता है और आफ्टर दैट जब भोजन स्टार्ट होता है फिर से प्लेट भर ली जाती है और वो भी उसी तरह से गार्बेज में फेंक दिया जाता है। तो ये कितनी गलत, कितनी असंगत बात है। इस खाने को कमाने में, इस खाने को उगाने में किसान कितनी मेहनत करता है और आपके फादर इस खाने को घर में लाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और इसी खाने को आपकी प्लेट तक डालने के लिए आपकी मदर को किचन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो आपको एहसास करना चाहिए। कहते हैं ना, खाओ मन भर, ना छोड़ो कण भर। सो डियर स्टूडेंट्स, हाई एवरीवन, मैं ये आपके आगे एक गुजारिश करना चाहूंगी, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर ये संकल्प लिया जाए कि हम खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो धन्यवाद। अगर मेरा चैनल, मेरी बातें आपको अगर पसंद आ रही हैं तो अवश्य ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।